अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मैं से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और इसके यूजेज पे। तो आज हम बात कर रहे हैं मेकअप पे। तो व्यूअर्स, ये मैं जो आज आपको आई मेकअप लुक करके बता रही हूँ, ये स्पेशली मेहंदी माइयों मेकअप में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और ब्राइडल मेकअप में भी अप्लाई कर सकते हैं, पार्टी मेकअप में भी अप्लाई करते हैं। डिपेंड ऑफ चॉइस और डिपेंड ऑफ क्लाइंट डिमांड, मतलब जो क्लाइंट की डिमांड हो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना और इसको स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी व्यूअर्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वही हमारा मेथड, हर आई मेकअप का एक ही मेथड होता है कि हमने आपको सही से नज़र आ रहा होगा, ये देखें, हमने सबसे पहले लाइट ब्राउन शेड को उठाना है और उसको करना है डस्ट ऑफ और उसको हमने क्रीज लाइन पे करना है डिपॉजिट, ठीक है, ये देखें, और उसको अच्छे से आगे की तरफ ब्लेंड करते जाना है लाइट ब्राउन शेड से। और चूंकि मेरी डमी की वाइट आई सेट्स है, तो आपने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट उनकी आई को समझते हुए मेकअप की एप्लीकेशन करनी है। अब हमने लाइट ब्राउन शेड से हमने ये किया, अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे डार्क ब्राउन। मैं डायरेक्ट डार्क ब्राउन ले रही हूँ ताकि हमारी आई की डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। देखिए इसको भी हमने नाइसली ब्लेंड आउट करते जाना है, ठीक है, ताकि हमारी आई की एक शेप क्रिएट हो जाए। ये हमने आई किया, फिर हमने इसको किया ब्लेंड आउट ताकि कलर एक दूसरे से निकलते जाए, ठीक है। अब यही काम हम सेकंड आई पे करेंगे, वो भी लाइट ब्राउन लेंगे और हमने क्रीज लाइन पे इसको रखना है और आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है, और उसको राउंड सर्कुलर मोशन में क्लॉक एंटी क्लॉक हमने इसको ब्लेंड आउट करते जाना है। डायरेक्ट में ये ब्लैक डार्क ब्राउन मैं डायरेक्ट ही ले रही हूँ डार्क ब्राउन, ताकि हमारी डेप्थ क्रिएट हो जाए अच्छे से, ये देखिए, और हमने इसको ब्रश से करना है ब्लेंड, ठीक है, ताकि कलर एक दूसरे से निकलते हुए नज़र आए। इसको मैं थोड़ा सा वाइट आई सेट है ना, इसको मैं थोड़ा क्लोज करके बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं शिमर में शिमरी कलर यूज़ कर रही हूँ, पीच कलर, ये देखिए, इसको मैं वेलवेट कलर हो वेलवेट कलर से कर लें, शिमरी हो शिमरी से कर लें, जो भी आपके पास को उससे कर लें, ठीक है। और इसी तरह ये देखिए, और अगर चूंकि मेरी वाइट आई सेट है, चौड़ा है बोन यहाँ से इसका, तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर रही हूँ, ये देखिए, और अगर क्लोज आई सेट हो तो आपने लाइट शेड शिमर ही यूज़ करना है, वेलवेट कलर हो या शिमर कलर हो। मैंने इसको डार्क ही किया है क्योंकि वाइट आइड साइड से है मेरी डमी का, ठीक है, इसको हमने स्प्रेड करना होगा। इसको आप फिंगर से भी कर सकते हैं, आप ब्रश से भी कर सकते हैं, इसमें एड ऑन करेंगे पिंक भी कर सकते हैं, चॉइस है आपकी, आप कुछ भी करें। मैं इस पे कर रही हूँ पर्पल, ये देखिए सेंटर, अब सेंटर आ गया तो मैं इसको फिंगर से ही कर रही हूँ, ताकि इसके जो पिगमेंट हैं बहुत विजिबल होकर आए, ठीक है ना। क्रीज वगैरह नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। आप चाहें तो कट क्रीज भी कर सकते हैं, ये स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ। और जैसे मैंने अपने पिछले रिव्यू में कहा कि हम सभी बिगनर्स होते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, एक्सपर्ट सिर्फ खुदा की ज़ात के अलावा और कोई ज़ात नहीं है एक्सपर्ट, मगर इंसान का टैलेंट है कि वो एक्सपर्ट बन जाता है, मगर सीखे बगैर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। अब हमने इसको हमने यूज़ करना है ग्रीन शेड लास्ट में, ये देखिए,
इसको मैं फिंगर से इसलिए करूँगी कि बहुत अच्छे इसके पिगमेंट आ जाएंगे ना। अच्छा ये ग्रीन कलर लग रहा है, एक दूसरे पे आपने चढ़ा के रखना है ताकि वो ब्लेंडेड रहे। ये आप ब्राइडल के भी मेकअप अप्लाई कर सकते हैं, ब्राइडल मेकअप, आई मेकअप लुक भी कर सकते हैं, चौथी की दुल्हन या मेहंदी माइयों की दुल्हन पे भी कर सकते हैं आप। ये आप हर तरह की ब्राइड्स पे कर सकते हैं, और पार्टी मेकअप तो है, पार्टी मेकअप में भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा बड़ा खूबसूरत सा मेकअप लुक लगता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं और विजिबल करूँ पर्पल को, ये देखिए, ताकि एक दूसरे में से निकलते हुए नज़र आए शेड्स। बहुत अच्छा मेकअप लुक है ये। फिर हमने इसको इस तरह ब्लेंड करना होगा ताकि वो एक दूसरे से निकलते हुए नज़र आए। ये एक्चुअली अगर देखा जाए ट्रेंडिंग तो मेकअप है ये। पिछले दौर में 60s 70s में ऐसा मेकअप बहुत चलता था, और मेकअप हमेशा से एक ही जैसा है, बस तोड़ मरोड़ के उसी चीज़ को चेंजिंग्स लाते रहते हैं और मेकअप होता रहता है, ठीक है। इसी तरह हम इस साइड पर भी ग्रीन, ये देखिए, इसको मैं साथ साथ इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग को नीचे दिखता भी रहे कि मैंने क्या किया है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे आप ये जो ग्रीन की सामने तक आपने लो लिड पे भी लेके आना है, ठीक है। जितना ग्रीन ये है उतना ही ग्रीन यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसी तरह पिंक, इसी तरह पर्पल को पर्पल के नीचे लेके आइए। ये देखिए, जितना हमने पर्पल की एप्लीकेशन की है उतनी ही आपने इसकी भी करनी है, ठीक है। फिर अच्छा, हमने चूँकि आगे ये जो ट्रेल डक को हमने करना है थोड़ा सा हाईलाइट, और वही हम करेंगे गोल्डन से हाईलाइट करेंगे। ये देखिए, ये इसको तो हमने इसको, ये देखिए, और इसी गोल्डन को आपने इस तरफ ले जाना है, गोल्डन को ले जाइए। और थोड़ा सा अगर चाहें तो वो जो हमने पिंक पीच से दिया है वो भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मेरा थोड़ा सा रह गया था, इसको मैं पर्पल लगा दूं। और इसको हमने फिर स्मोक लाइट देना होगा, तो हमने वो स्मोक कैसे क्रिएट करना है अब हमने उठाना होगा ये। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, लाइट ब्राउन लेके इसके नीचे ऐसे आपने जो हमने ऊपर किया है वही हम नीचे की तरफ करेंगे। फिर हम लाइट सा हमने करना होगा ब्लैक को, यहाँ पे हल्का सा हमने रखना है बस, ठीक है, ताकि वो हमारा जो डेप्थ, ये देखिए, हाफ रेट पर, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ब्लैक के बगैर तो हर चीज़ नामुकम्मल है, और खूबसूरती ज़रा उठती आती आएगी। इसको थोड़ा सा शेडो क्रिएट कर देंगे, ब्लैक का टच दे देंगे, या हम काजल लगा देते हैं, और जेल लाइनर से भी मैं काजल की एप्लीकेशन कर देती हूँ, और आईलाइनर की भी। तो ये देखिए, हमने फिर जेल लाइनर से ही मैं काजल की एप्लीकेशन कर रही हूँ। अच्छी तरह मैं सेकंड आई पे करूँगी। सबसे पहले हमने विंग की लाइन को क्रिएट करना होगा, क्या करते हुए हमने फिर काजल की एप्लीकेशन करनी है।
का कॉर्नर अगर बनाओ तो बड़े खूबसूरत से लगते हैं। अब हम इनकी करेंगे लैशेस की एप्लीकेशन। जी व्यूअर्स, ये हमने आई लैशेस की एप्लीकेशन कर दी है। अब हम इन पे करेंगे ग्लिटर की एप्लीकेशन, तो ये मज़ीद टॉप ऑफ हो जाएगा। ये मेरे पास नेक्स्ट का ग्लिटर है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर की एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो ये बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा ये हमारा, ये देखिए, इसको मैं एक प्लेटर में निकाल रही हूँ ताकि वेस्ट ना हो। और ये मेरे पास क्रीमी गम है, जेल है, कह लीजिए। इसको हमने ऐसे करा और हमने इसको ऐसे टैप करना है, इसको हमने सेंटर में टॉप ऑफ करना होगा और ये बड़ा खूबसूरत सा लगने वाला है आईने को लोग। और जैसे हम ब्रश से टैप करते हैं इसी तरह हम इससे टैप करेंगे। सॉरी, इससे आप चाहें तो सीलर से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो गम इससे भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मेरे पास सीलर भी है, ये भी है, तो मैंने कहा चलो इससे भी करके दिखाऊं आपको। मैं दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। ये हमने कर लिया इनको ग्लिटर की एप्लीकेशन, और अब हम करेंगे इनको आईलाइनर को फ्रेश। आज मैंने आईलैशेस के बाद ही ग्लिटर लगाया है। आप कोई काम आई मेकअप में या फुल मेकअप में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि पहले ये करें पहले वो करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको आईलाइनर को जरा करूँगी फ्रेश, और कंपलसरी होता है आईलाइनर फ्रेश करना, क्योंकि अगर आप किसी दुल्हन को देखेंगे सामने से देखेंगे साइडों से तो नहीं देखेंगे ना। तो ये हमने इसको किया फ्रेश, और अब हम इसको करेंगे नोज कॉन्टोर। अब हम करने जा रहे हैं नोज कॉन्टोर में, इसको जस्ट ऑफ किया, करेंगे ब्लेंडर लुक ताकि बिल्कुल एक दूसरे में से निकलता हुआ नजर आए। बिल्कुल ब्लेंडर लुक होना चाहिए, कोई भी चीज ऊपर रखी फील ना आए, ठीक है। और ये हमारी नोज कॉन्टोर हो गई, और ये रहा हमारा आज का फाइनल लुक। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का ब्राइडल आई मेकअप लुक, मेहंदी माइयों का ब्राइडल मेकअप लुक। आप इसको, ये आप मेकअप लुक जो है चौथी पे भी कर सकते हैं, मेहंदी पे भी कर सकते हैं, और थर्ड डे ब्राइडल मेकअप जिसको कहा जाता है, एक फर्स्ट डे होता है, एक सेकंड डे बारात का होता है, रिसेप्शन का होता है, वलीमे का होता है, फिर चौथी का होता है। तो इस पे भी आप, क्योंकि चौथी में बड़े कलरफुल कपड़े पहनाए जाते हैं, तो आप इस तरह का ब्राइडल आई मेकअप लुक भी कर सकते हैं। और मेहंदी की दुल्हन की भी आप ऐसा मेकअप कर सकते हैं, माइयों की दुल्हन पे भी आप ये मेकअप कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये आई मेकअप लुक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, मुझे कमेंट का आपके रहता है इंतज़ार। और मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रेफत, मैं ब्लेस से अल्लाह हाफिज़। Thank you.